दिल्ली के कई इलाकों में शनिवार को भी मूसलाधार बारिश हुई। कई जगह सड़कों पर पानी भर गया और ट्रैफिक जैम हो गया। हाल में मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर ऐसे नज़ारे आम बात हो गए हैं। रविवार को लाल किले के आसपास पानी का स्तर बढ़ गया। इस वजह से ट्रक जैसी बड़ी गाड़ियों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राहत शिविरों में भी लोगों का हाल बुरा था। देखिए, कल जब से बारिश हुई है उसके बाद टेंट्स के अंदर टेबल्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं, उसके ऊपर गद्दे प्रोवाइड किए हैं क्योंकि नीचे पानी आ गया था। और जो मेडिकल कैंप है उसके अंदर ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं वो आँख आना जिसे कहते हैं कंजक्टिवाइटिस के लिए आ रहे हैं। दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ की वजह से करीब 23,000 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। इनकी संपत्ति और कारोबार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी यमुना नदी का जायजा लेने के लिए रविवार को लोहा पुल पहुंची। See, there are some problems in the relief camps because these are camps that are in tents pitched by the river. The residents have also been reluctant to shift from these camps because they have come here with all of their belongings. However, we are now moving them into the nearest government school where better facilities can be provided to them of water, of food, of bathrooms. We have also assured them many of them have animals. We have also said that in the next couple of hours, veterinary doctors with medicines would be available here so that their livestock can be taken care of. सेंट्रल वाटर कमीशन के बाढ़ निगरानी पोर्टल के मुताबिक यमुना का जलस्तर शनिवार को घटकर 205.78 मीटर हो गया है। सबसे ज्यादा जलस्तर गुरुवार को 208.66 मीटर था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को मोरी गेट स्थित राहत शिविरों का जायजा लिया। उन्होंने राहत शिविरों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। कोशिश कर रहे हैं पंप से निकालने की, कई जगह जल्दी भी हो रहा है, कई जगह थोड़ा समय भी लग रहा है। धीरे धीरे अब जो पानी का स्तर है वो 205.9 तक आ गया है और हम जानते हैं कि 208.67 तक पहुंच गया था। तो पानी जैसे जैसे धीरे नीचे जा रहा है वैसे वैसे जिंदगी जो है वो नॉर्मल होती जा रही है। कई इलाकों से पानी निकल गया है, कुछ इलाकों में पानी बचा है वो भी निकल गया। हालांकि यमुना का पानी अब भी खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। पिछले दो दिनों में हरियाणा के हथनीकुंड बराज से कम पानी छोड़ा गया है। यमुना के जलस्तर कम होने की यही वजह बताई जा रही है।